स्तुति देता जा रहा है। आइए एक कवि ने उठाया मास्टर जी कलम को, कैसे युग में तो कु जन्म दियो बेटा थे ने ब्रथई बखत कमायो है के संतान पे जब जब कष्ट पड़ियो और माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ियो तो बेटा ने पानी तक ना जायो है। मास्टर जी जिकड़ी होएगी बिल्कुल जिकड़ी करंट में होगी और जोश में होगी, सुनिएगा मास्टर कैसे। और घर आंगन है, ओए घर आंगन है ब्रज धाम राधा रानी को, और मुरली बारो मोहन प्यारो मुरली बारो बनोए गुलाम राधा रानी ओ हो मुरली बारो बनोए गुलाम राधा रानी को। अरे वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा है, वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा, और एक बगल में कृष्ण खड़े हैं, एक बगल में राधा है, एक बगल में कृष्ण खड़े हैं कि पहले पढ़ोए भैया कि पहले पढ़ोए धरा पे पाम राधा रानी को, मुरली बारो मोहन प्यारो मुरली बारो बनोए गुलाम राधा रानी को, मुरली जैसे कवियों ने बताया है कि अंगूठी में लगे हीरे को नगीना कहते हैं। भैया जी कि अंगूठी में लगे हीरे को नगीना कहते हैं और बना हुआ यार बिगड़ जाए उसे कमीना कहते हैं। आइए ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है जो कि आपने अपने कानों द्वारा अपने श्रवण द्वारा दसवीं स्वान ना सुना होगा, लेकिन गाने वालों के ढंग और कवियों की कविता अलेदा अलेदा होती है। भैया जी एक समय का जिक्र है कि कौन कि कर्ण कुंती के पास परशुराम वाले पांच वाणों को लेने के लिए पहुंच जाता है। आहा आज सुबह का वक्त था, कर्ण ने कहा आज कुंती ने कहा कर्ण से कि बेटा कर्ण ओ बेटा कर्ण। आज जैसे ही कर्ण ने बेटे का शब्द सुना एकदम से पीछे मुड़ के देखा और कहने लगा कि देवी तू बेटा कहने वाली कौन है, कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ माँ। आज जैसे कर्ण ने माँ का शब्द सुना आज कर्ण कुंती को जवाब दे रहा है मराठी में, सुनिएगा मास्टर कैसे। और भैया मेरे लियो खाल मोए आता आज पढ़ो युद्ध को, अरे आज पढ़ो युद्ध को काम सो बनी तू मेरी माता, आज पढ़ो युद्ध को बना
कैसे लागे री बताए दे मेरो भैया है अर्जुन कैसे। और देखो सरदारों एक बात याद आ गई, अगर तुम्हें कहे तो कह दो, देखो यह बात की तुमने पता के ट्रैक्टर के पहिया दो पिंचर है। और सुनो सरकार पे ते मिल रही है 75% छूट, तुम वो 5% दे दियो। एक गवैया आयो नाम लुड़कने वाको, मैं तो भाई का जू यहाँ आया हूँ, तुम 5% दे दियो भैया सड़े बैंगन ने बिकंद मनी मास्टर कैसे। अरे बूढ़े बड़े बाप दादा घर, अरे बूढ़े बड़े बाप दादा घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। और आज जिनके लाला जिनके बेटा जिनके छोरा चौराहे पे खुल के पौआ। और भैया अरे कितने उल्लू अड्डी कमाए ले रे भैया, आराम से दे दियो कोई दिक्कत ना है, छोरी को तो बड़वाई पैसा आ रहे ना छोरा लगा दुकान से आई। अरे कितने बेदा छुपा ले भैया बेदा ये कदिला फूटेगो। और बरोबर आयो बरोबर आयो बरोबर आयो बड़ा पाप को चोरा ये पे फूटेगो है बरोबर आयो। और देखो इन पैसे ने दल्लम करने का। और भैया जी जेब में उन्हें आ रही दिखे मोते सो लगे ये जेब छोटी पड़ गई का। अरे पानी को क्या समझ रे भैया, अरे पानी को क्या समझे भैया सबरी दुनिया पानी में। और कछु तो मर गए कछु तो मर गए कछु तो मर गए बिन पानी कछु डूब के मर गए। और भैया अरे बिहारंडी मारू डंडी, अरे बिहारंडी मारू डंडी बहुत सासते कह रही है। अरे बिहारंडी मारू डंडी बहुत सासते कह रही है। और काली चरण चुपचाप करो तेरी जई में इज्जत। वो ऐसा लगे इतने पार्टी ही कछु कम पर दिखे, छोरी लोग तो बड़ भाई दाम आ रहे 100-100 के और 50-50 के तमाम मूल्य। भैया जी अरे बूढ़े बड़े बाप दादा घर, अरे बूढ़े बड़े बाप दादा घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे भाई साहब बेदवी रेंचला देर वाले नारायण उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बूढ़े बड़े बाप दादा घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। और आज जिनके बेटा जिनके लाला जिनके छोरा चौराहे पे खुल के पौआ पी रहे हैं। आज अर्थ में बताया है कि हाँ जी टेंशन मत लो 9 मिनट दे दे 9 में पपैया फोड़ दूंगा। आज अर्थ में बताया है कि पैदा तेने कियो नाम ना लियो ख्याल मो आता। और आज अपना युद्ध को काम सो बन रही है मेरी माता के जन्म त दियो बहाए, अरे जन्म त दियो बहाए एक बन बाय काठ की नैया। और वो पारत कैसे लागे री बताए दे मेरो भैया। आज चौक के अंदर सुनेंगे मास्टर जी करण जवाब दे रहा कैसे। ओले तू कैसी देखा मेरी मैया, और अर्जुन को बताए रही है भैया, और अर्जुन को बताए रही है भैया।